नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टिर उपाध्याय। जब से सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की है, तब से ही नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। साथ ही मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस एक भी मुख्य संदिग्ध से ना तो पूछताछ कर पाई और ना ही ड्रग्स के एंगल को खंगालने समेत कोई भी पुख्ता सबूत जुटा पाई। यहां तक कि इस पूरे मामले को आत्महत्या करार देते हुए ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब सीबीआई ने इस केस की जड़ें उखाड़ दी हैं, जिसके तार दूर दूर तक जुड़े मिले हैं। उधर सुशांत सिंह की मौत के मामले में सोशल मीडिया पर सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे के नाम की भी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के कनेक्शन की बात सामने आ रही है। यहां तक कि महाराष्ट्र बीजेपी उद्धव सरकार पर सुशांत केस में किसी को बचाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाती रही है, मगर आदित्य ठाकरे का कहना है कि उनका अभिनेता की मौत मामले से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें और उनके परिवार को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उधर बीजेपी नेता आशीष शेलार ने आदित्य ठाकरे का बिना नाम लिए कहा है कि नाइट लाइफ गैंग ने सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद कर दिया और उनकी जान चली गई। बता दें कि आदित्य ठाकरे लगातार मुंबई में नाइट लाइफ शुरू करने के पक्ष में खड़े थे, इसीलिए बीजेपी नेता का सीधा निशाना आदित्य ठाकरे पर है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री वाली बात को हटा दिया है, जिसके बाद से उनके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफा देने की अटकलें तेज हो गई हैं। आदित्य ठाकरे अभी महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आदित्य ठाकरे का अभी जो ट्विटर बायो है, उसमें उन्होंने खुद को युवा सेना का अध्यक्ष, मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बता रखा है, लेकिन कहीं भी मंत्री होने का जिक्र नहीं है। ये तब देखने को मिला है जब बीते दिनों अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के भूमि पूजन के बाद शिवसेना ने मुंबई में जगह जगह होर्डिंग्स लगाए थे। इन होर्डिंग्स में आदित्य ठाकरे की तस्वीर कहीं भी नहीं थी, जिसे लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा रही थी। बता दें कि उद्धव ठाकरे की अयोध्या यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे भी उनके साथ थे। ऐसे में जब राम मंदिर भूमि पूजन के बाद पार्टी के होर्डिंग्स लगे, तो उनमें आदित्य ठाकरे का ना होना कई तरह के सवाल उठाता है। ऐसे में अटकलें लगने लगी हैं कि आदित्य ठाकरे सरकार से इस्तीफा देने वाले हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे का नाम खूब चर्चा में बना हुआ है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर आज आदित्य ठाकरे को लेकर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर पेंगुइन 7 किलर ट्रेंड कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर आदित्य ठाकरे को पेंगुइन 7 किलर क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि बीएमसी ने एक स्थानीय चिड़ियाघर के लिए दक्षिण कोरिया से 8 पेंगुइन को जुलाई 2016 में मंगाया था। पेंगुइन के लिए ठंडे वातावरण की जरूरत होती है। ऐसे में बाईकुला के वीर माता जीजा भाई भोसले चिड़ियाघर में पेंगुइन को ठंडे एनक्लोजर्स में रखा गया। नवंबर से इन्हें आम लोगों के देखने के लिए भी अनुमति दी जानी थी। बताया जाता है कि इन पेंगुइन को दक्षिण कोरिया से भारत लाने का विचार आदित्य ठाकरे का था, मगर ठंडे स्थान से अलग कर दिए जाने की वजह से एक पेंगुइन की मौत हो गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें पेंगुइन 7 किलर कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।